शहर पर आलूदगी की चादर तन गई, फिजा धुंधला गई स्मॉग की भी एंट्री। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। एयरक्राफ्ट इंडेक्स की मजमू शराह 194 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल बारिश का कोई चांस नहीं। लाहौर के तीन बड़े अस्पतालों की MRI मशीनें खराब। जनरल पेंस और चिल्ड्रन अस्पताल में मरीज दरबदर। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेस के बाद जनरल अस्पताल की MRI भी जवाब दे गई। तशखीसी सहूलत खत्म, इलाज मुआवजा तातुल से दो चार। लाहौर ट्राम मनसूबे के मुस्तकबिल पर सवाल या निशान रखा। मनसूबे की स्टडी अब पंजाब मैस ट्रांसिट अथॉरिटी बनाएगी। कमिश्नर ऑफिस ने स्टडी मैस ट्रांसिट अथॉरिटी को देने की हिदायत कर दी। DGLD का सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांसिट अथॉरिटी को स्टडी जल्द करवाने के लिए खत। अस्पतालों में अद्वियात के लिए फंड जारी। लाहौर के 4 अस्पतालों को 1 अरब 64 करोड़ रुपए मिल गए। न्यू अस्पताल को 36 करोड़, 71,25,000 दिए गए। PIC को 49 करोड़ 50 लाख रुपए जारी। चिल्ड्रन अस्पताल को 50 करोड़ 25 लाख। जिना अस्पताल को 27 करोड़ 28 लाख के फंड मिले। माहौल दोस्त बसें खरीदने के लिए 43 अरब के फंड मंजूर। बसें लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में चलाई जाएंगी। फंड्स की मंजूरी सुबह तरक्याती वॉकिंग पार्टी के 39वें इजलास में दी गई। महकमा खजाना ने SPU के लिए नई गाड़ियों की समरी मुस्तरद कर दी। फंड देने से इनकार, अपने बजट से गाड़ियां खरीदने का नोट। SPU ने चीनी शहरियों के लिए 20 सिंगल कैबिन डाले मांगे थे। महकमा खजाना के मुताबिक गाड़ियों के लिए इजाफी फंड्स मौजूद नहीं। आठ वाटर टैंक बनाने के मंसूबे में पेशरफ्त। वासा ने 8 वाटर टैंक्स के टेंडर्स को ई-पैच पर अपलोड कर दिया। टेंडर खोलने की हतमी तारीख 4 नवंबर होगी। क्रीम पार्क, गुलबर्ग, कूपर रोड, कार्टन टाउन, टिक्का चौक, डोहा टाउन के वाटर टैंक शामिल। मजमूई तौर पर 8 वाटर टैंक्स पर 5 अरब से ज्यादा लागत आएगी। मोटरसाइकिल सवार को लाइसेंस बनवाने के लिए आखिरी मौका। 30 नवंबर तक शहरी लर्नर और फौरी लाइसेंस बनवा सकेंगे। मुद्दत के बाद में 42 दिन की मुद्दत का असूल दोबारा लागू होगा। ये हुक्म दिसंबर से बगैर लाइसेंस पर बड़ा क्रैक डाउन किया जाएगा। ग्रैंड टीचर्स अलायंस का TNA टेस्ट के बायकॉट का ऐलान। प्राइमरी स्कूलों की आउटसोर्सिंग, लिव इन कैशमेंट की बहाली, स्कूल टाइमिंग, एजुकेटर्स की गैर मशरूत मुस्तकली का मुतालबा। उधर टीचर्स नीट असेसमेंट टेस्ट 26 अक्टूबर को लिया जाएगा। टेस्ट के लिए 720 स्कूलों का इंतखाब किया गया है। लेस्को में लूटमार की गजब कहानी। ग्रेड 18, 19, 20 और 21 के अफसरान ने खूब लूटमार की। जनरल मैनेजर टेक्निकल आमिर यासीन, चीफ इंजीनियर मटेरियल मैनेजमेंट रमजान बट करप्ट करार। रॉय मोहम्मद असगर, डिप्टी मैनेजर पब्लिक रिलेशंस मसूद करल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर GSE जाहिद कयूम खोखर भी शामिल। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नदीम मलिक, जफरुल्ला सांगी, मोहम्मद रशीद भी करप्ट पाए गए। IB की रिपोर्ट पर वजीर आजम की वजारत दाखिला को कार्रवाई की हिदायत। शहर में गिरा फरोशी का राज। दूध दही की दुकानों पर ओवरचार्जिंग जारी। बेशतर मकामात पर नान रोटी भी इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगी। गोश्त, सब्जियां, फल भी महंगे दामों फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा दस्तयाब ही नहीं, शहरी मायूस लौटने लगे। मॉडल टाउन इतफाक अस्पताल का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब। अरसा गुजर गया, फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक ना हो सका। प्लांट को बंद कर दिया गया। अस्पताल में आने वाले मरीज साफ पानी की सहूलत से महरूम। मुतादित बार शिकायत के बावजूद भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल ना किया जा सका। स्मोक के खात्मे के लिए तहसील शालामार में ग्रैंड ऑपरेशन। SOPs की खिलाफ वर्जी पर महर इलियास री रोलिंग मिल जमी बूस। महर फर्जन स्टील मिल को भी गिरा दिया गया। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट स्मोक माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। 189 गाड़ियां बंद, 313 गाड़ियों के चालान। रावी शहर में इंसदाद स्मोक नाइट ऑपरेशन में 2 फैक्ट्रियां सील। ऑपरेशन में कवायद की खिलाफ वर्जी पर JP स्टील अली हजवेरी इंडस्ट्री सील।
कब्रिस्तान से एक और नौ मौलूद की लाश गायब। शहजाद अली का बेटा पैदाइश के चंद घंटे बाद वफात पा गया। कायद आसम इंडस्ट्रियल स्टेट थाने की हदूद में दफनाया गया। अगले दिन कब्र के करीब से कफन मिला, मैयत गायब थी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। नवाब टाउन से 2 करोड़ के लिए अगवा होने वाला डॉक्टर बाजियाब। डॉक्टर मोहम्मद एहसन के अगवा के लिए अगवाकारों ने कार इस्तेमाल की। अगवाकारों ने हाथ बांधे और आंखों पर पट्टी बांधी। बीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मुताबिक वारदात में मुलविस 8 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। लाहौर में भत्ताखोरी का धंधा जोर पकड़ गया। शहरी बाबर अली से मुबैना तौर पर भत्ता मांगने पर थाना शालीमार में मुकदमा दर्ज। मुलजिम फैसल और अमीन पेशावर शूटर्स हैं। मुलजिमान ने फोन कॉल करके जगह टैक्स मांगा। भत्ता ना देने पर 4 भाइयों के कत्ल की धमकी दे दी। इंटरमीडिएट पार्ट 2 दूसरा सालाना इम्तिहान। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रावंट में जाली उम्मीदवार पकड़ा गया। उमर अवैस के खिलाफ थाना रावंट सिटी में मुकदमा दर्ज। यूएमसी केस बनाकर हवाला पुलिस कर दिया गया। बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्त दी। मुकदमियात की तफ्तीशी अफसरान रिकॉर्ड समेत तलब। आइंदा समात पर वकला को जमानतों पर दलाल मुकम्मल करने की हिदायत। इंसदात दहशतगर्दी अदालत ने समात 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैंट की खातून से ज्यादती केस का फैसला किया। मुजरिम रमजान को 10 साल कैद, 50,000 जुर्माना। गाजियाबाद के इफ्तखार अहमद के कतल केस में मुलजिम असद शक की बुनियाद पर बरी। एडिशनल सेशन जज इफ्तखार हुसैन ने फैसला सुनाया। कालादम तंजीम के लिए फंडिंग जमा करवाने का मुकदमा। 3 खातिन के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की शहादतें मुकम्मल। इंसदात दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर फरीकैन से हतमी दलाल तलब कर लिए। अदालत ने मजीद समात 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मियां नवाज शरीफ लाहौर से दुबई चलेगा। 1 रोज कयाम के बाद लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ 1 साल 4 रोज बाद दोबारा बैरून मुल्क आए। लंदन में अपना तिबी मुआयना भी करवाएंगे। अमरीका और यूरोप का दौरा भी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। लाहौर में तंजीम साजिश से मुतालिक अहम फैसले होंगे। वज़ीर आला पंजाब से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताउन के फरोग और ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात। सरगोधा से मुनव्वर हुसैन और सियालकोट से मोहम्मद फैज शामिल। तरक्याती मंसूबों की निगरानी जारी रखने का हुक्म। पंजाब असेंबली में 26वीं आनी तरमीम के हक में करारदाद मंजूर। मुश्तबा शुजा रहमान का शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन। सूबाई वजीर ने 10 ऑडिट रिपोर्ट अवार्ड में पेश कर दी। दानिश स्कूल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंजाब नॉर्थ की ऑडिट रिपोर्ट भी शामिल। डिप्टी स्पीकर जहीर अहमद चन्नर ने ऑडिट रिपोर्ट को मुतलका कमेटियों के सपोर्ट कर दिया। अपोजिशन का अरकान असेंबली की पकड़ धकड़ के खिलाफ एहतजाज। मलिक अहमद खान बचर का सुनवाई होने का शिकवा। अपोजिशन एहतजाज के बाद अलामती वॉकआउट कर गई। ईवान के बाहर अपोजिशन लीडर की मीडिया टॉक। कहा बुशा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। नए चीफ जस्टिस से उम्मीद करते हैं वो इंसाफ करेंगे। पीपल्स पार्टी की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का अजलास। 31 अक्टूबर के पार्लिमानी बालादस्ती के जश्न की तैयारियों पर बात। इजलास में चौधरी असलम गिल, अजीजुर्रहमान चंद, मियां मिसबाह रहमान, फैसल मीर की शिरकत, फायसा मलिक, एडविन सहूत्रा, यासिर बारा समेत दीगर जयाले शरीक। स्मोक खुद नहीं आती, हम इसे लाते हैं। लाहौरियों को स्मोक के खिलाफ ऐलान जंग करना होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने का फैसला। कहा आलूदगी फैलाने वाले 721 इंडस्ट्रियल यूनिट्स सील कर दिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से चीफ सेक्रेटरी की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब बोले सरकारी अफसरान मुख्तलिफ महकमों में अवाम के मसाइल के हल को यकीनी बनाए। उधर गवर्नर हाउस में आईटी से मुतालिक सेमिनार। सलीम हैदर खान का आईटी से वाबस्ता सनतों के मुस्तकबिल पर इशारे ख्याल। नौजवानों के काम की तारीफ। गवर्नर पंजाब ने नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को अवार्ड भी दिए।
अल्ताफ हुसैन इंसारी डिप्टी सेक्रेटरी महकमा हेल्थ तैनात। मुजम्मल इलियास को डिप्टी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट लगा दिया गया। कामरान बशीर के खदमात पंजाब लैंड रिकॉर्ड की सपोर्ट। शरीना गुलाम मुर्तजा शबीर हुसैन रमीज जफर असद रजा सईद को नई जिम्मेदारियां तफवीज। एम पी ए सानिया आशिक भी पंजाब काबीना में शामिल। सानिया आशिक वजीर आला की मुआफ ने खसूसी मुकर्रर। महकमा स्पेशल एजुकेशन का कलमदान मिल गया। सलमा बट प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मामला देखेंगी। पंजाब में 1,65,00,000 एकड़ पर गंदम की काश्त का हदफ मुकर्रर। सरकारी जरिए राशि पर गंदम की काश्त लाजमी करार। लाहौर में 13,33,000 एकड़ पर गंदम काश्त की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। गंदम की काश्त के अहदाफ का जायजा हुकाम ने ब्रीफिंग दी। लाहौर यूथ फेस्टिवल का इनेकाद 8-10 नवंबर होगा। फेस्टिवल के तहत 30 किलोमीटर की साइकिलिंग रेस 8 नवंबर को होगी। 9 नवंबर को 4 किलोमीटर फन रेस फोर्ट्रेस से शुरू होगी। मैराथन अल्फा करीम टावर तक फोर्ट्रेस तक होगी। कमिश्नर लाहौर सैद बिन मकसूद की जेर सदारत इजलास में तैयारियों का जायजा। डीसी लाहौर का गवर्नमेंट मियां मुंशी अस्पताल का दौरा। सैयद मुसर हसन ने मुख्तलिफ वार्ड्स और इंतजामी उमूर का जायजा लिया। डीसी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बदामी बाग भी गए। क्लासों में जाकर तलबा से गुफ्तगू तदरीसी सवाल पूछे। पाकिस्तान ऑटो पार्ट से शो की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर मम्लिकत खजाना अली परवेज मलिक का दौरा। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को खुशाइंद कदम करार दिया। डीआरजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की मुख्तलिफ मजाहिब के नुमाइंदों से मुलाकात। सिख हिंदू और ईसाई मजहबी रहनुमाओं की तजावीज़ और मिसाइल सुने। एसपी सिक्योरिटी अब्दुल वहाब ने अकलियतों के तहफ्फुज़ के लिए लाहौर पुलिस के इकदाम बारे ब्रीफिंग। दयाल सिंह कॉलेज के तुलबा का नैब लाहौर ब्यूरो का दौरा। नैब सॉफ्ट इमेज के लिए उठा के इकदाम पर ब्रीफिंग। तुलबा से किरदार साजी मुहिम के मेम्बरान के तौर पर हल्फ भी लिया गया। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मेंटल हेल्थ की तकरीब। मेहमान खसूसी सदर फाउंटेन हाउस डॉक्टर इमरान मुर्तजा थे। वर्क पैलेस प्लेस पर जहनी सेहत के उनवान पर पैनल डिस्कशन हुई। जहनी सेहत के फरोग के लिए आगाही वॉक भी हुई। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए सेमिनार। शहर में आगाही वॉक का भी अहतमाम। खातिन की बड़ी तादाद में शिरकत। मर्ज से बचाव के लिए आगाही दी गई। लाहौर यूथ फेस्टिवल एथलेटिक्स 100 मीटर गर्ल्स ट्रायल्स। पंजाब स्टेडियम में लाहौर की 28 यूनिवर्सिटीज की गर्ल्स एथलीट्स की शिरकत। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल मेहमान खसूसी थे। जीतने वाले खिलाड़ियों को 80,00,000 के इनाम दिए जाएंगे। तुलबा तालबात की कसीर तादाद ने भी ट्रायल्स में हिस्सा लिया। ओपन टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले मेन सिंगल्स में मुजम्मिल मुर्तजा और एम शुएब ने कामयाबी समेटी। मेंस डबल में हीरा आशिक और अब्दुल्ला अदनान फाते रहे। मिक्स मार्शल आर्ट पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। सदर पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स बाबर आजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। भारत से 10 फाइटर लाहौर पहुंचे। प्रदीप कहते हैं मैच का प्रेशर नहीं, बेहतरीन खेल पेश करेंगे।